हुसन में क्या पसंद है, खासकर निस्वानी हुसन में? बाल, नाक, लब, क्या चीज, आंखें, क्या चीज अट्रैक्ट करती है? निस्वानी हुसन में यकीनन आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्या खास चीज होती है उनमें? आंखों से एक मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो आपकी किसी इंसान के ऊपर बिलखसूस जो नस्वानी हुसन की आपने बात की है, वो पहली नज़र आपकी किसी की आंखों पे पड़ती है, तो शायद उससे ज़्यादा जो है वो मैं अट्रैक्ट होता हूँ, नेचुरली है ये। फिर उसके बाद जो है बाल भी जो है वो भी अट्रैक्ट करते हैं, लंबे बाल, लंबे बाल भी, स्ट्रेट बाल भी, दरमियाने बाल भी, काले बाल भी, तो काली जुल्फे भी। सेक्रेटेरिएट में वजारत इत्तलात के दफ्तर पहुंचे। ये हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का इत्तला सेल है। इसमें हम सारे चैनल्स को जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स हैं बशमूल CNN के, अल जजीरा के, उनको हम 24/7 मॉनिटर करते हैं। और फिर जो ग्रैबिंग करते हैं हम यहाँ से, अगर कोई पैकेज है, अगर कोई हमारी रिपोर्ट है जो फेवर में या अगेंस्ट है, हम वो ग्रैब करके फिर हमारा एक इतला सेल, हम इसको कहते हैं इतला सेल, का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें शेयर किया जाता है। और उसके अलावा जो कंसर्न मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो, उनके साथ भी हम शेयर करते हैं, ताकि वो एक तो अगर उनके फेवर में है तो वो उसको देख लें, अगर अगेंस्ट है तो फिर उसके ऊपर हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। आप अभी देख लें हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको ग्रैब करके, उनके अहम पॉइंट्स को ग्रैब करके हम फिर शेयर करते हैं, ताकि हमारे लिए एक कॉन्टिन्यू स्ट्रीम रहे कि मीडिया में क्या चल रहा है। इत्तलात सेल का दौरा किया। आपके ख्याल में वजीर को जितनी तनख्वाह मिलती है, क्या इससे उसका गुजारा हो जाता है? मेरे ऊपर घर की ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है, वो मेरे वालिद साहब और मेरे भाई अफोर्ड करते हैं। लेकिन मैं जब पॉलिटिकली उसको देखता हूँ तो हमारे माशाल्लाह हुजरों में हमारी जो मोबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से वो उतनी मुनासिब नहीं है जितनी होनी चाहिए। और फिर अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर ऐसी एलिगेशंस भी लगती है, और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अफोर्ड करना, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि कुछ पॉलिटिशियंस जो है उनको फिर मसाइल होते हैं, अगर उनकी बैकअप पे कोई अर्निंग नहीं है, उनकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है, तो उनको मसाइल होते हैं। दुनिया में कहाँ कहाँ विजिट किया है और कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी है? मैंने जी अमरीका गया हूँ, कैनेडा, यूरोप में मैं स्पेन, फ्रांस और चेक रिपब्लिक, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में मैंने सर्बिया भी देखा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो स्पेन आया, और उसमें जो इस्लामिक टच का जो कुर्दोवा सिटी है जिसको कुर्तबा भी हम कहते हैं, उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया है। और फिर उससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हरमैन शरीफैन में जो सुकून मुझे मिला वो दुनिया भर में कहीं पे मुझे नहीं मिला, तो मेरे ख्याल से हरमैन शरीफैन को सबसे टॉप पे, और फिर उसके बाद जो कुर्दोवा सिटी है कुर्तबा, उसने बड़ा अट्रैक्ट किया।